नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट प्लॉट एक्सटेंशंस की। किस तरीके से आपके प्लॉट में एक्सटेंशन होती है, कैसे उसे देखा जाता है और कितने प्रकार की एक्सटेंशंस हो सकती है आपके प्लॉट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर कोई कोना बढ़ जाता है आपका साउथ की तरफ, ये देखिए साउथ वेस्ट में साउथ की तरफ अगर कोई कोना बढ़ जाए तब उसे साउथ वेस्ट की एक्सटेंशन कहा जाता है। वैसे ही अगर वेस्ट की तरफ भी कोई कोना बढ़ जाए तो उसे भी साउथ वेस्ट की एक्सटेंशन कहा जाता है। तीसरा तरीका है, अगर आपके वेस्ट की दीवार ईस्ट की दीवार से ज्यादा लंबी हो और उसका जो एंगल है 90+ डिग्री का हो, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये वाली, इस तरह का प्लॉट भी एक्सटेंशन में काउंट होता है। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन, अगर आपकी साउथ की दीवार नॉर्थ की दीवार से ज्यादा लंबी हो और उसका एंगल भी 90+ हो तो वो भी एक्सटेंशन का ही काम करती है। इन चारों ऑप्शंस में ये वाला जो पोर्शन है बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि एनर्जी के फ्लो में असंतुलन आ जाता है इस तरह के प्लॉट्स में। दूसरा, इस तरह के प्लॉट्स में पितृ दोष बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, इस घर में रहने वाले लोगों में हेल्थ इश्यूज देखे गए हैं, स्पेशली हेड ऑफ द फैमिली को सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी की, इस घर में जॉब और बिजनेस में अक्सर स्टेबिलिटी के इश्यूज देखे गए हैं, पारिवारिक झगड़े होना भी आम बात है इस तरह के घरों में। और एक मुख्य प्रॉब्लम है पैतृक संपत्ति के कारण डिस्प्यूट हो जाना, इस घर में पैतृक संपत्ति को लेकर भी डिस्प्यूट बनते हैं। और आखिरी है, एफर्ट्स वेस्ट होते हैं इस घर में लोगों के, जो भी लोग इसमें एफर्ट करते हैं उनको प्राप्तियां नहीं होती, उनके एफर्ट्स अक्सर वेस्ट हो जाया करते हैं। तो आप भी अपने घर को संतुलित करें और अगर आप चाहते हैं इसकी रेमेडी तो कमेंट्स में रेमेडी लिखें ताकि इसकी एक इजी रेमेडी आपको बताई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें।